झांसी में एसटीएफ ने तीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल एसटीएफ को सूचना मिली थी कि विधानसभा चुनाव में हथियारों की तस्करी के लिए कुछ बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं, जिस पर एसटीएफ ने सीपरी बाजार पुलिस की मदद से ग्वालियर रोड पर नहर की पुलिया के पास इन बदमाशों को घेराबंदी करके पकड़ा। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए तीन बदमाशों को पकड़ा है, जबकि दो भागने में सफल हो गए। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में तीन बांग्लादेशी राष्ट्रदूतों को पकड़ा गया है और रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे खरीद फरोख्त का काम किया जाता था और घरों को चिन्हित करके उसमें डकैती का प्लान बनाया जाता था। इन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दो व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था, उनके कब्जे से असलहे और फायर शुदा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।